नहीं, आई बेसिकली हैव कम हियर फॉर माय फ्रेंड गगन, एंड गगन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इधर आइए, एंड ही इज द रीजन आई एम हियर. आई नॉर्मली डोंट हैव टाइम टू कम फॉर पार्टीज, माय डे स्टार्ट्स वेरी अर्ली, तो जल्दी जाके सोना बहुत जरूरी है. बट इट्स अ पार्टी, वी गोना हैव फन, वी गोना एंजॉय आवरसेल्व्स, एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी, आई एम गोना हैव अ वंडरफुल टाइम टू यू, एब्सोल्युटली. एनीथिंग एल्स सर? जी देखा जाए तो अभी फिल्मों आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द राइट वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स. वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है, दे हैव टू सर्टिफाई वेदर अ फिल्म इज अ फिल्म विच विल कम आउट एंड पीपल कैन वॉच इट. इट इज ओनली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शुड कम अप विद देयर डिसीजन, एंड वंस द डिसीजन इज टेकन एवरीबडी शुड फॉलो दैट. If at this particular moment we're going to be, if every time a film is going to come out and a little group is going to come forward and decide ki bhai isme hamare bare mein galat hai and we have to stop it, I think this is setting up a completely a wrong precedent, and this has to be stopped. We have an organization and rules have to be followed. As simple as. So Sarsadi Board ne aaj meeting tha, sir Sanjay Leela Bhansali ko bhi bulaya gaya tha. Ji. और जोशी भी थे, और वहाँ पे इसको डाल दिया गया है कि अब जब एक्सपर्ट इस फिल्म को देखेंगे तभी ये सेंसर में जा पाएगा. नहीं आ रहा कि वो एक्सपर्ट कौन है? संसदीय बोर्ड. अभी देखिए ऐसे तो हर बार एक फिल्म आएगी किसी बैकग्राउंड के साथ, आपको एक बोर्ड लाना पड़ेगा. तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसे आपने रखा है, जो फिल्म को पास करते हैं, उनकी क्या जरूरत है? हर बार एक फिल्म आएगी, एक नया बोर्ड. संजय लीला बंसाली अपना पक्ष नहीं रख पाए वहाँ पे, नहीं रख पाए, विच इज रियली सैड. मतलब इसका ये मतलब है कि हर बार एक फिल्म मेकर कोई बनाने कुछ बनाने जा रहा है, आप उसको फिर रोक देंगे, कोई एक संसदीय बोर्ड आप रख देंगे. ऐसे तो हर फिल्म में होगा, अगर ये बनाएंगे डाउन साउथ बनाएंगे, ईस्ट बनाएंगे, वेस्ट बनाएंगे. सो दिस इज इट्स लाइक कर्विंग. आई थिंक द होल पॉइंट इज दैट इफ यू हैव सिनेमा, एवरीबडी हैज द लिबर्टी टू टेल यू अ स्टोरी. अगर आप नहीं देखना चाहते मत देखिए. देखिए टारगेट वाली मुझे ये बात समझ में नहीं आती है. आई फील इफ देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम है फिल्म डिसाइड करना, दे शुड बी अलाउड टू डिसाइड एंड देन एवरीबडी हैज टू फॉलो. हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक हमारे लीडर्स को बोल रहे हैं कि प्लीज आप इसे एक मुद्दा मत बनाइएगा, और बार बार उन्हें कहा जा रहा है, उसके बावजूद चीजें नहीं हो रही. आई कांट कॉमेंट ऑन दैट. ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा फिलहाल मेरे लिए, क्योंकि मैं जितना कहूँगा फिर वो चीज़ आगे पीछे हो जाएगी. बट कौन किस लिए कर रहा है इसे मैं कह नहीं सकता हूँ. बट इतना पक्का है कि आई थिंक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम है फिल्म को डिसाइड करना कि वो बाहर आएगी या नहीं, सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना डिसीजन ले एंड फाइनली बाकी सब लोग उसे फॉलो करें. सिंपल. थैंक यू. प्लेजर.